नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है वो जॉर्डन के लिए है। जॉर्डन में हमें एक हॉस्पिटल के अंदर रूम अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है। जॉर्डन के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर रूम अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है। टोटल 50 लोगों की आवश्यकता है, रूम अटेंडेंट 50 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 250 जॉर्डनियन दिनार, और जो यहाँ पर इंडिया की करेंसी के हिसाब से लगभग 70,000 के आसपास में होता है। ड्यूटी आवर्स होगा उसमें 8 घंटे की ड्यूटी होगी, प्लस फूड मिलेगा, ओवरटाइम मिलेगा। ओवरटाइम जो करेंगे वो 3-4 घंटे ओवरटाइम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं कैपेसिटी के ऊपर, राइट। लेकिन ओवरटाइम मिलेगा इसमें। फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलने वाला है, और उसमें सीवी सिलेक्शन होगा। सीवी सिलेक्शन में सिंपल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, आप डॉक्यूमेंट एक बार सबमिट करेंगे उसके बाद प्रोसेस हो जाएगा। इसमें सीवी सिलेक्शन के बेस पर हो सकता है कि बाद में एक टेलीफोनिक या स्काइप इंटरव्यू हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट रूम अटेंडेंट की है, तो सिंपल कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी और एक्टिवनेस देखना होगी कैंडिडेट की, कितना एक्टिव है, राइट। उम्र रहेगी 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में, ये उम्र रहेगी इसमें, मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन 38 तक भी देख सकते हैं, अगर कोई कैंडिडेट 38 ईयर का होगा तो भी हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिटर्न होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेम फील्ड में एक्सपीरियंस होगा, तो 1-2 साल और भी ट्राई कर सकते हैं। दैट वी कैन नॉट अश्योर, हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं, बट उनकी प्रोफाइल को प्रोसेस किया जा सकता है अगर पर्सनैलिटी अच्छी है और सेम फील्ड में एक्सपीरियंस है और रिटर्न होंगे तो। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट काफ़ी अर्जेंट है, और उसमें 30 दिन के अंदर पूरी प्रोसेस हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी आज के टाइम पर कोरोना वायरस की वजह से मैक्सिमम एम्बेसी का वर्किंग बंद है, लेकिन अभी ये एम्बेसी का वर्किंग अभी है, चालू है, और उसमें काम अभी हो जाएगा। लगभग 30 डेज के अंदर पूरी प्रोसेस हो जाएगी, वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अपने डॉक्यूमेंट, अपना रिज्यूमे, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, सर्टिफिकेट वगैरह हो तो वो सब आप मुझे हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल करेंगे। ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगा। और इसके अलावा कॉलिंग के लिए रहेगा। कॉलिंग में एक चीज़ नोटिस की जाती है, मुझे बार बार वीडियो में डालना पड़ता है, जो कॉलिंग होता है, कॉलिंग जनरली लोग टाइमिंग नहीं देखते और कॉल करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉलिंग टाइम 10 से शाम को 7 बजे तक कीजिए, मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 7 PM तक, और मंडे टू सैटरडे। संडे के दिन और किसी हॉलीडे के दिन या ऑफिस के टाइम के बाद प्लीज़ कॉल मत कीजिए। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप मैसेज कीजिए, टेक्स्ट मैसेज, उसका रिस्पांस आपको जल्दी मिलेगा। व्हाट्सएप पर रिस्पांस थोड़ा लेट मिलता है, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज आते हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट रिस्पांस चाहिए, जल्दी रिस्पांस चाहिए, तो आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए। टेक्स्ट मैसेज में आपका पूरा नाम, सिटी नेम, अप्लाइड पोजीशन आप मेंशन करेंगे तो आपको कॉल बैक ज़रूर आएगा। और अभी का राइट नाउ का अगर सिचुएशन देखेंगे तो हम लोग 95% कॉल आंसर ही करते हैं, नहीं होता तो कॉल बैक करते हैं, बट कॉल आंसर होते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग अगर आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए, प्रोसेस करना है, जो भी है उसके लिए आप कॉल करेंगे तो ऑफिस आवर्स के अंदर प्लीज़ कॉल कीजिए, और प्रोसेसिंग टाइम जो रहेगा 30 डेज के अंदर इसमें वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, और इसमें 50 लोगों की आवश्यकता है। अगर आप या आपके नेटवर्क में कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट अवर टीम मेम्बर्स, राइट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएँ। धन्यवाद।